सुनाडी चैनल में मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेटर्स के बारे में, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड लिंकर एंड लोडर, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। The compiler program translates the instruction of high level language a machine language. Compiler program किसी high level language के निर्देशों को मशीन की परिभाषा में कन्वर्ट करता है। प्रत्येक high level language के लिए एक अलग compiler होता है और separate compiler is required for every high level language. C के लिए C compiler, Java के लिए Java compiler, VB.NET के लिए VB.NET compiler और C++ के लिए C कंपाइलर। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनमें सब में कंपाइलर, अलग अलग कंपाइलर होता है। हम बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की। कंपाइलेशन प्रोसेस, इसे जो भी हम प्रोग्राम में राइट करते हैं, प्रोग्राम जो राइट किया हमने, वो कहीं ना कहीं सोर्स कोड होता है जो कोई प्रोसेसर में जाएगा, कोई प्रोसेसर कंपाइलर, कंपाइलर के बाद असेंबलर, असेंबलर के बाद लिंकर, लिंकर के बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड से बनकर फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। जैसे कि प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर, कंपाइलर असेंबलर जो असेंबली कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड जो लिंकर, लिंकर से exe फाइल क्रिएट कर देता है। हम बात करें इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू बाइनरी फॉर्मेट आज स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है तो स्टेप बाय स्टेप उसको, स्टेप बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है, और इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है कंपाइलर। जैसे कि सोर्स कोड, कंपाइलर बाइट कोड, विजुअल मशीन, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रनिंग कोड, इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है, जो कि सिंगल स्टेप बाय स्टेप। ये याद रखना, कंपाइलर हमेशा एक ही बार में पूरे एग्जीक्यूट कर देता है, और ये इंटरप्रेटर लाइन बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। असेंबली, Assembler by using assembler will be convert to assembly language instruction into binary format. ये क्या है? Assembly language को convert कर देता है। Assembler assembly language into machine language, machine code पे convert कर देता है। Difference between compiler and interpreter. Compiler एक बार पूरे program को execute करता है। ये पूरे program को input के रूप में, एक प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये इनपुट के रूप में एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट देता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर, कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड उत्पन्न करता है, जिसे ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड उत्पन्न नहीं करता। कंपाइलर उपयोग करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, एडीसी। इंटरप्रेटर प्रयोग करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक, पाइथन, पीएचपी, ईडीसी। व्हाट इज अ लिंकिंग? लिंकिंग क्या है? सभी फाइलों के कंपाइलेशन के बाद उनका सभी फाइलों मर्ज करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, इसे exe बोलते हैं। फाइल बनाना जिसको यूजर प्रयोग प्रोग्राम चलाने के लिए यूज कर सके। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग कंपाइलेशन के वक्त होती है, अर्थात ये प्रोग्राम की लोडिंग से पहले होती है। डायनेमिक लिंकिंग रन करते समय होती है, इसलिए ये प्रोग्राम को लोड करते हुए या लोड करने के बाद होती है। व्हाट इज लोडिंग? फाइलों के कंपाइलेशन और लिंकिंग के बाद एक्टिवेबल फाइल को कंप्यूटर के मेमोरी फाइल में लोडर द्वारा डाल दिया जाता है, इसी को लोडिंग कहते हैं। जैसे कंपाइलर exe फाइल, जो मेमोरी हमारे पास है उसमें
एक्सिक्यूएल फाइल को लोडर द्वारा डाल दिया जाता है। हम नेक्स्ट क्लास के टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज अ एल्गोरिथम और व्हाट इज अ फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम क्या है, फ्लोचार्ट क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, जो भी डाउट्स हो वो कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।